स्टूडेंट्स वेलकम माय केमिस्ट्री क्लास एंड टुडे आई एम टेकिंग अ न्यू चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. यू नो अबाउट एटम्स, व्हाट इज एटम्स, एंड इन दिस चैप्टर आई विल टेक फर्स्ट केटायन एंड एनायन, बिकॉज आप लोगों को इसमें कुछ फॉर्मूले का सिखाएंगे, इसको फॉर्मूले कैसे में बनाना है. तो इसलिए सबसे पहले आप लोग केटायन और एनायन इसका जो बेसिक है वो समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसको फॉर्मूले को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे. सो यू नो अबाउट एटम्स. एटम इज ए स्फेरिकल शेप एंड इट कंटेन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द मिडल पार्ट, सेंटर पार्ट इन द एटम एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. तो इस तरह से एटम का हमारा इंट्रोडक्शन होता है. लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हमने ये अभी तक पढ़ लिया है कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं. लेकिन कभी कभी जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि अब हम मॉलिक्यूल्स भी पढ़ेंगे कि क्या होता है मॉलिक्यूल्स, जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं यानी कि हमें कोई भी फॉर्मूला बनाना है या तो हम उसको ही कहा जाता है मॉलिक्यूल. तो जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसीजर में सबसे पहले केटायन और एनायन बनते हैं और ये केटायन और एनायन आपस में कंबाइन होकर फिर एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं. तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले हमारा बेसिक होगा कि व्हाट इज केटायन एंड व्हाट इज एनायन. तो यहां पर हमने लिया है केटायन. तो केटायन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं और वो इस लॉस ऑफ, दे आर फॉर्म बाय लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन. यानी अगर किसी भी एटम में से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए या किसी किसी में से दो निकल जाए या किसी में थ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जाते हैं तो वो जो बचा हुआ पार्ट होता है वो कहलाता है केटायन. तो अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ सोडियम का. सोडियम आप लोगों को अच्छे से पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लास्ट में हमने सब पढ़ लिया है. तो यहां पर हमने लिया सोडियम का, इसका सिम्बॉल होता है एनए और इसका एटोमिक नंबर होता है 11. 11 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारा आया 281. ओके, इस तरह से 281 है. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट का मतलब है स्टेबल, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल को बनने के लिए उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना कंपलसरी है. तो ऑक्टेट ये 8 अगर होंगे लास्ट में तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा. इस तरह से ये हमने यहाँ पे लास्ट में आप देख रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. वैलेंस भी मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज वैलेंसी. यानी वो अंदर वाले जो रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो लास्ट वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही केवल क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. तो यहाँ पर लास्ट में हमारा 1 है. इसका मतलब ये हुआ है कि लास्ट वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, मैंने सोडियम की वैलेंसी हुई 1, यानी कि 1 ही क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा. यही कहीं पे भी जाना, मतलब दूसरे इसमें जाना है तो अगर जाना है इसको तो 1 वाला जाएगा, न कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे. तो इस तरह से लास्ट में 1 है यानी वैलेंसी 1 है. तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होता है, ओके, अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होता है तो हमारे पास रह जाता 2 एंड 8. यहां पे हो गया हमारा 2 एंड 8, तो एटॉमिक नंबर हो गया 10. तो अब ये जो बना है हमारा एनए प्लस, प्लस इसलिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, नेगेटिवली नेगेटिव चार्ज होता है या एटम जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से न्यूट्रल हो जाता है. क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन होते और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते. अब क्या हुआ, प्रोटॉन तो हमारे पास हो गए उतने ही 11, लेकिन हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया. तो उस इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या हो गया कि वो जो है हमारा केटायन बन गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर. तो अब एक इलेक्ट्रॉन निकला इसलिए यहां पर एनए के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज. कुछ आप लोग ऐसे केटायन देखेंगे जिसमें किसी किसी में दो पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैग्नीशियम के ऊपर होते 2 पॉजिटिव चार्ज, इसी तरह से एल्यूमिनियम के ऊपर होते +3 पॉजिटिव चार्ज. इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम का केटायन बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए. इसी तरह से एल्यूमिनियम के ऊपर अगर 3 है पॉजिटिव चार्ज, उसका मीनिंग ये निकला कि एल्यूमिनियम का केटायन बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए. तो अभी आपको सिर्फ ये एक एग्जाम्पल बता रही हूं मैं. तो इस तरह से अब हम इसका डायग्राम, ये भी हमने सीख लिया कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है. ये हमने जो बनाया है ऊपर वाला, ये हमारा है सोडियम एटम का. ओके, एटम का बनाया है तो एटम के हिसाब से डायग्राम बनाना है हमको. सबसे अंदर हम लोग लिखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. यहां मैंने नहीं लिखे, मैंने सिर्फ यहां एनए लिख दिया. आप ऐसा भी बना सकते डायग्राम. 281 है इसका. हमेशा डायग्राम बनाते समय हमें डिस्ट्रीब्यूशन ही देखना है. तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है 281. तो यहां पर फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले ऑर्बिट में जो पिंक कलर से बने हुए इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन. ये हमारा सोडियम एटम का डायग्राम बना. अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो हमेशा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, क्योंकि वैलेंस शेल बाहर वाला है, इसीलिए ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हमारा रिमूव हो गया.
तो अब क्या हो गया, यहां पर जैसे ही बाहर वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ये वाला शेल क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया। लास्ट वाला शेल एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये के था, ये एल था और ये एम था। तो अब एम शेल हमारा खत्म हो गया, अब दो ही शेल रह गए। फिर अब एटम बनने में वन इलेक्ट्रॉन, केटायन बनने के लिए वन इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो इसका हो गया एटॉमिक नंबर हो गया 10 और इसका डिस्ट्रीब्यूशन 2n8 हो गया। तो यहां पर 2 और लास्ट में कितने बच गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 रिमूव हो गया तो ये 1 ही था इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन ही जब रिमूव हो गया तो ये पूरा ऑर्बिट क्या हो गया, वो भी खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन की वजह से था तो ये खत्म हो गया। और हमारे पास अब कितने बच गए, के और एल शेल बच गए वाले। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि केटायन की साइज जो होती है वो भी क्या होती है, छोटी होती। छोटी इसलिए होती कि बाहर वाले अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते तो वो क्या हो जाता है, वहां का ऑर्बिट क्या होता है, खत्म हो जाता है, वो वैनिश हो जाता है। इस तरह से उसमें क्या हो जाएगा, उसका साइज जो हो जाती है वो छोटी रहती है। एटम से इसकी साइज, इसके केटायन की साइज क्या हो गई, अब स्मॉल हो गई।